हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल कार DIY। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई नेक्सॉन अपग्रेडेशन डू इट योरसेल्फ वीडियो के साथ। इससे पहले मैंने अपनी नेक्सॉन के अंदर चार अपग्रेडेशन किए हैं। IRVM का किया है, जो आपने देखा नहीं है तो आप वीडियोस में जाके देख सकते हो। दूसरा था अपनी ये बैजिंग वाला, तीसरा था ट्विटर्स का और चौथा था ग्लव बॉक्स लैम्प का। और आज काफ़ी लोग जो अपने सब्सक्राइबर्स हैं वो बोल रहे थे जो ये ORVM कवर है ये हमें मैट फिनिश के अंदर मिलता है XMS वेरिएंट में, वो बोल रहे थे भाई इसको भी अपग्रेड करो क्योंकि टॉप मॉडल में ये जो है वो पियानो फिनिश के अंदर मिलता है। तो अपने पास कवर आ चुके हैं ओरिजिनल जेन्युइन पार्ट, और आज की जो अपग्रेडेशन वीडियो होगी वो इसी के ऊपर होगी। इनको चेंज करके हम पियानो ब्लैक फिनिश का लगाएंगे, बिल्कुल टॉप मॉडल वाला। तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का पार्ट है, ये बॉक्स के अंदर आया है, ये पॉलीथीन के अंदर आया है। क्यों? ये जैन मैन्युफैक्चर्ड है और ये फरवरी मैन्युफैक्चर्ड है, फैब मैन्युफैक्चर्ड है। तो मुझे लगता है बॉक्स के अंदर ही देना चाहिए, प्लास्टिक पार्ट है, टूटने का डर रहता है। तो इस तरीके का पार्ट है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आ गया पार्ट, ये है बिल्कुल पियानो फिनिश के अंदर, लगा के दिखा देता हूँ। ये मैट फिनिश और ये पियानो फिनिश, इस तरीके का लगेगा। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम जल्दी से इसको चेंज करना सिखा देता हूँ कैसे करना है। इजी DIY है, कोई भी कर सकता है अपने घर पे। तो इसको चेंज करने के लिए हमें इसको पहले रिमूव करना पड़ेगा, इस कवर को। और YouTube पे ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल है जहाँ पे लोगों ने चेंज करके दिखाए हैं, पर ये नहीं बताया कि ये कवर कैसे रिमूव होगा, जो कि टिपिकल पार्ट है। तो रिमूव करना सीखेंगे कि इसको कैसे रिमूव करना है बिना तोड़े। तो इसको रिमूव करने के लिए हमें चाहिएंगे अपने प्राई टूल्स। प्राई टूल का यूज़ करके इस कवर को हटाएंगे और फिर अपना ये वाला कवर लगाएंगे। इसके पीछे कुछ लॉक्स होते हैं इस तरीके के, ये लॉक हैं, इनका आपको ध्यान में रखना है। जहाँ जहाँ ये लॉक बने हुए हैं वहीं पे मैं प्राई टूल लगाऊंगा और इनको खोलने की कोशिश करूँगा। तो लेट्स सी कैसे खुलता है ये। सबसे पहले मैं यहाँ से शुरू करूँगा, जो ये वाला पार्ट है इसको आप देख रहे हो यहाँ से खुल रहा है ये। तो जहाँ से जो पार्ट इजीली खुलता है मैं वहीं से शुरू करता हूँ हमेशा। तो यहाँ से खोलना शुरू करूँगा, ये वाला टूल यूज़ करके मैं यहाँ पे डालूँगा इसको, और इस तरीके से ये एक लॉक खोल दिया है मैंने। इसी तरीके से देखो आप, यहाँ से ये डिसएंगेज हो गया है। अब बाकी के लॉक खोलेंगे, हो सकता है ऑन स्क्रीन ही खोल रहा हूँ, मुझे कोई प्रैक्टिस नहीं है इसकी कि कैसे खुलता है, बट देखते हैं, कोशिश करेंगे कि कुछ तोड़े ना हम। मैं आपको पॉइंट्स बता दूँगा जहाँ जहाँ से ये ओपन हो रहा है, ताकि आप वहीं पे ही अपना प्राई टूल लगाओ और वहीं से ये खुल जाए इजी। एक तो ये पॉइंट है। अब जो पहला लॉक खोल दिया यहाँ से, उसके बाद मैं अपना प्राई टूल धीरे धीरे इस साइड मूव करता हुआ जा रहा हूँ और यहाँ तक आ गया हूँ। अब इस प्राई टूल को यहीं से पकड़ लूँगा और एक और प्राई टूल की हेल्प लूँगा, इस तरीके का कोई एक और प्राई टूल उठा लूँगा और यहाँ पर इसको लगाऊँगा और खोलने की कोशिश करूँगा। कोई दूसरा लेता हूँ, इसमें जो आगे की ग्रिप है वो कम है। मैंने नीचे से खोलने की कोशिश करी पर खुल नहीं रहा, तो अब मैं यहाँ से जाके इसको आगे इस तरीके से खोलूँगा, यही एक रास्ता बच रहा है। अब इतना तो खुल गया है पर यहाँ से अटका हुआ है, ये आप देख रहे हो। इसको यहाँ डालना है इस टूल को और फिर स्लाइड करते हुए इस साइड लेके जाना है, ताकि यहाँ तक के लॉक इसके हट जाएं। ये एक और लॉक हट गया और ये रिमूव हो गया। तो हमने ये ORVM कवर इसका हटा लिया फाइनली, और कुछ नहीं टूटा आपके सामने, इसके सारे लॉक इंटैक्ट हैं। तो हमने इसकी टेक्निक सीख ली है, इसको यहाँ डालना है और स्लाइड करते हुए इस तरीके से प्राई टूल को यहाँ लेके जाना है। दिस इज़ द टेक्निक, बहुत इजी है, मुझे पता नहीं था इसलिए मुझे टाइम लगा, बट आपको सिखा दिया। इसको साफ़ कर लेते हैं और अपना जो पियानो ब्लैक फिनिश वाला कवर है इसको लगा देते हैं। ये अपना कवर है, इसको नीचे से लगाना है। ये वाली चीज़ है ना, ये वाली चीज़ यहाँ पर जाके फंस जाती है यहाँ पर। तो शुरू कैसे करना है, ऐसे लगाना है, ऐसे इसको इस तरीके से लगाया और आगे स्लाइड करना है इसको यहाँ पे इस तरीके से, ताकि नीचे सबसे पहले फिट बैठे। यहाँ से जैसे खोला था वैसे ही वापस लगाएंगे। अब इसको प्रेस कर करके अंदर डाल देंगे।
ये देख लो आपके सामने है, स्लाइड करके लगा दिया है, बिल्कुल परफेक्ट फिनिश आ गई है। पीछे से थोड़ा करके दिखा देता हूँ कि कैसा लग रहा है। इस तरीके की लुक आ रही है, परफेक्ट रोटेट कर पा रहा है, क्लोज़ हो रहा है, ओपन भी प्रॉपर हो रहा है और प्रॉपर फिट भी बैठ गया है। यहाँ से देख लो फिनिश बिल्कुल एक्यूरेट है, कहीं से भी कुछ भी दिक्कत नहीं है। जल्दी से साइड वाला भी चेंज कर देता हूँ और फिर आपको प्रॉपर लुक दिखाता हूँ कि कैसी है। टेक्निक आपको बताई दी थी तो इस वाले मिरर में वही इस्तेमाल करेंगे। इसको पहले यहाँ से हटाना है, इस तरीके से डिसंगेज करा, ये टूल यहाँ डाला और स्लाइड करते हुए वहाँ लेके जाऊँगा इस तरीके से। टेक्निक नहीं पता थी तब तक की दिक्कत थी। इस तरीके से बिल्कुल आराम से इसमें ये एंगेज होता है, यहाँ से निकल जाएगा और उसके बाद ये खुल जाएगा। कोई ऐसी दिक्कत वाली बात है नहीं, बस आपको यहीं से ही इसको जोड़ देते रहना और यहाँ से अंगूठे से इसको प्रेस करते रहो पीछे, तो ये खुलता रहेगा। ये वाला देखो लॉक निकलेगा, एक लॉक अटका हुआ है वो लॉक निकलेगा और ये एकदम से निकल के गिर जाएगा, देखना आप। बोला था ना कि ये वाला लॉक सिर्फ अटका हुआ था यहाँ पे, तो जैसे ये खुलेगा वो गिरना ही था। तो ये निकल गया है, ये भी गंदा हो रहा है, इसको जल्दी से साफ़ करके और दूसरा पियानो ब्लैक फिनिश वाला लगा देते हैं। तो ये अपनी लेफ़्ट साइड वाला है, ये वाला पॉलीथिन में मिला क्योंकि फरवरी की पैकिंग है, ये फरवरी में मेरे को लगता है इन्होंने अपनी पैकेजिंग चेंज कर दी। तो और इसकी कीमत बता देता हूँ, एक की कीमत है MRP 256 रुपये और डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा अगर आपको भी ख़रीदना है तो। अब मैं इसको जल्दी से लगा के दिखा देता हूँ। अब ऐसे स्लाइड करके लगाना है, पहले नीचे से इस साइड से बैठाएंगे और फिर इस साइड आएंगे। एंड इट्स डन। तो गाइज ये था बहुत ही आसान सा अपग्रेडेशन जो कि अपनी नेक्सॉन में हमने किया, आप भी कर सकते हो अपनी नेक्सॉन में। अगर आपको ये पसंद आया कि भाई इससे जो ORVM है उसकी लुक बढ़ गई है और गाड़ी की भी लुक भी थोड़ी एनहेंस हो गई है, अगर आपको ये करना है तो आप भी कर सकते हो। और आपको ये वीडियो पसंद आई और मेरी मेहनत पसंद आई तो इस वीडियो को तो लाइक करना ही है और अपना जो चैनल है कार DIY उस पर भी प्यार दिखाना है, उसको भी सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।